बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों बहुत दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर HNB यूनिवर्सिटी के BSc के एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो BSc फर्स्ट सेम के लिए कुछ क्वेश्चन हमको बताइएगा जो एग्जाम में आने वाले हों। तो बच्चों आपकी रिक्वेस्ट पे आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं। बच्चों हमने आपके लिए 15 क्वेश्चन यहाँ पे समराइज किए। अगर आप 15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके एग्जाम 100% सही होगा और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हुंड का बहुलकता का नियम क्या है? अर्थपूर्ण व पूर्ण रूप से भरे हुए उपकोष या कक्षक स्थाई क्यों होते हैं? राइट हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल, वाई आर हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड और बाइटल्स आर मोर स्टेबल। आप बाउ नियम से आप क्या समझते हैं और इसके तीन अपवादों को लिखें। व्हाट डू यू मीन बाय आप बाउज रूल एंड राइट इट्स थ्री एक्सेप्शंस। पाउली का नियम तथा इसकी उपयोगिता स्पष्ट करें। एक्सप्लेन पाउलीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्वांटम संख्याएं, डी ब्रोगली का द्विवैती नियम, हाइजेनबर्ग सिद्धांत, साई व साई स्क्वायर की उपयोगिता। राइट शॉर्ट नोट ऑन क्वांटम नंबर्स, डी ब्रोगलीज ड्यूअल नेचर, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। वेस्पर सिद्धांत क्या है? CH4, NH3, H2O, SP3 संकृत है परंतु फिर भी इनकी संरचना भिन्न होती है, क्यों? What is Vesper theory? CH4, NH3, H2O are SP3 hybridized but why they have different structures? अगला रहेगा बच्चों 6th क्वेश्चन रहेगा, संक्षेप में स्पष्ट करें। फजांस का नियम, द्विध्रुव आघूर्ण संयोजकता बंध सिद्धांत व आणविक कक्षक सिद्धांत में अंतर। एक्सप्लेन इन ब्रीफ। फजांस रूल, डायपोल मोमेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को VBT और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को MOT भी बोलते हैं। 7th क्वेश्चन रहेगा बच्चों, जालक ऊर्जा क्या है और यह किस प्रकार आयनिक बंध निर्माण को प्रभावित करती है? बच्चों ये जालक ऊर्जा बार्न हाबर प्रक्रम के द्वारा भी आती है, यह आपको पता होना चाहिए। वॉट इज लैटिस एंथैल्पी एंड हाउ डज इट अफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। 8th क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन रहेगा बच्चों, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ऋणात्मक प्रभाव तथा अनुनाद, किरलता, मीजो यौगिक, एनेंसियोमर व डायस्टीरियोमर, प्रकाश सक्रिय यौगिक। गिव शॉर्ट नोट ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, कायरल्टी, मीजो कंपाउंड्स, एनेंसियोमर एंड डायस्टीरियोमर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। 9th क्वेश्चन रहेगा, निम्न को संक्षेप में स्पष्ट करें। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दी हुई है बच्चों, एग्जाम में डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। वुड्स अभिक्रिया, कोलबे अभिक्रिया, बिर्च अभिक्रिया, लिंडलार अभिकर्मक, मार्कोनिकोव व एंटी मार्कोनिकोव नियम, सेटजफ नियम, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन अभिक्रिया तथा आखिरी है वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। एक्सप्लेन इन ब्रीफ। वुड्स रिएक्शन, कोलबेस रिएक्शन, बिर्च रिएक्शन, लिंडलार रिएजेंट, मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल, सेटजफ रूल, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। 10वां क्वेश्चन रहेगा, 10th क्वेश्चन रहेगा, निम्न में आर व एस विन्यास निर्धारित करो। तो बच्चों यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, यहाँ पे आर और एस बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। एसाइन आर एंड एस कॉन्फिग्रेशन। 11th क्वेश्चन रहेगा, निम्न में ई व जेड विन्यास का निर्धारण करें। एसाइन ई एंड जेड कॉन्फिग्रेशन। कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है कि ई आइसोमर और जेड आइसोमर कौन सा होगा। 12वां क्वेश्चन रहेगा बच्चों, एल्केन, एल्कीन व एल्काइन के निर्माण की किन्हीं तीन विधियों का वर्णन करें। और यहाँ पर क्वेश्चन 13 में कुछ अभिक्रिया दी हुई है बच्चों, ये अभिक्रिया एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसी रिएक्शन मिलती है और बोलता है कि उत्पाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा या अभी रिएक्शन को पूरा करें। क्लियर है आपको? जहां क्वेश्चन मार्क लगाए यहाँ पे आपको उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बना के दिखाना है। 14th क्वेश्चन रहेगा, कैसे अंतर करेंगे बच्चों इथीन इथाइन में, इथेन इथीन में। तो यहाँ पे अंतर करते हुए आपको रासायनिक अभिक्रियाओं की हेल्प लेनी है, सहायता लेनी है। क्या करना है कि यहाँ पे अभिक्रिया लिखेंगे जो एक आपका यौगिक देगा और दूसरा यौगिक वो अभिक्रिया नहीं देगा, तो इस प्रकार आप अंतर कर पाएंगे।
15 क्वेश्चन रहेगा बच्चों, किन्हीं दो अभिक्रियाओं को स्पष्ट करें जिनके द्वारा एल्कीन की पुष्टि हो सके। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये कहना चाह रहा है कि एल्कीन की पहचान कैसे करेंगे, एल्कीन के टेस्ट लिखने हैं। यहाँ पे आप जानते हैं दो टेस्ट होते हैं, एक होता है ब्रोमीन टेस्ट और दूसरा होता है ओजोन के द्वारा, और एल्किलाइन KMnO4 से भी होता है। तो आप किन्हीं दो अभिक्रियाओं की मदद ले सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। साथ में ये भी पूछ सकता है एल्कीन व एल्काइन में कौन अधिक अम्लीय है, या इनका अम्लीय क्रम लिखें। तो यहाँ पर जो अधिक अम्लीय होता है वो एल्काइन होता है, उससे कम एल्कीन होगा, और सबसे कम या ना के बराबर होता है एल्कीन। आपको स्पष्ट है बच्चों? अभी 15 क्वेश्चन कर लेते हो, यकीन जानिए आपका पेपर 100% सही होगा, आपको मैक्सिमम या अधिकतम अंक मिलेंगे केमिस्ट्री के अंदर। तैयार हो जाइए इन क्वेश्चन करने के लिए, कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं वहां पे, वो आपकी हेल्प करेंगे, और आपको कल या परसों में एक दो वीडियो और मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ रसायन माला में, पढ़िए पढ़ाइए लाइफ बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।